मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदेश पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ला आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में आज आपको लिए चलते हैं इलाहाबाद संगम तट पर। लेटे हुए हनुमान जी हैं, वहां पर दर्शन किए हैं। अरे अभी कर लीजिएगा। संगम तट पर महाराज जी अक्सर जाया करते थे। फोर चर्च लेन से कुंभ के दौरान तो वहाँ कैंप लगता था महाराज जी का। फोर चर्च लेन से जब टहलने जाते निकलते तो वो उस तरफ ही जाते थे। और गंगा मैया के तट पर यमुना मैया का भाई संगम है ना वहाँ, तो वहाँ बैठ के बहुत सारी बातें किया करते थे। भक्त लोग उनके साथ रहते थे। और आज एक ऐसी बात बताई है महाराज जी ने कि आपका कोई काम ऐसा हो जो हो ना रहा हो, आपके संकट कट ना रहे हो, तो वो मंत्र कर लीजिएगा। महाराज जी सुधीर दादा से बातें कर रहे हैं और भक्त आ रहे हैं, उनसे भी बातें करते हैं, वो चले जाते हैं। सुधीर दादा बगल में बैठे हैं, उमा दत्त शुक्ला बैठे हुए हैं। और ऐसे ही महाराज जी सुधीर दादा से कहते इधर आ, और इधर आके वो कान लगा देते हैं अपने मुंह से और मंत्र बता देते हैं उन्हें एक, और बताते हैं कि कोई काम ऐसा नहीं है जो इससे हो न सके। अब सुधीर दादा प्रसन्न है, उमादत्त शुक्ला जानने को आतुर हैं कि महाराज जी ने ये तो बता दिया कि इससे सारे काम हो जाएंगे, लेकिन मंत्र कान में बताया सुधीर दादा के, और कान में बताया लिहाजा ये बताना नहीं चाहते। लेकिन जब उमादत्त शुक्ला की तरफ देखते हैं महाराज जी और कहते हैं भाई क्या बात है, तू क्यों परेशान है, तब उमादत्त शुक्ला कहते हैं बाबा जी आपने ना मंत्र दे दिया और ये कहा कि इस मंत्र से सारे काम हो जाते हैं, हमको क्यों नहीं बता रहे। अरे तू दादा से पूछ लेना, मैंने कहा मैंने किया है। ये दादा को एक परमिशन मिल गई बताने की। दादा को एक बार मंत्र दिया था दक्षिणेश्वर मंदिर में, तब वो लेना नहीं चाहते थे, शंकर जी के दर्शन कर रहे थे और जबरदस्ती महाराज जी उन्हें दे आए थे बहुत वर्षों पहले, है ना। मंत्र की बारे में मैंने कथाएं सुनाई हैं कैसे कैसे वो फिर भूल गए, जबरदस्ती मंत्र दे गए, फिर वो उस मंत्र को जब महाराज जी हाँ आए हैं इलाहाबाद में इनके प्रवास पर, तब याद आया कि यही बाबा जी थे, इन्होंने मंत्र दिया था। तो आज एक दूसरा मंत्र और दिया और उस मंत्र को जानने के लिए उमादत्त शुक्ला अब सुधीर दादा के पीछे पड़े हैं, वहां से वापस आ गए हैं, फोर्थ चर्च लेन में बैठे हुए हैं। दादा सिगरेट पिया करते थे, है ना। तो महाराज जी अपने कच्छ में हैं, दादा बरामदे की तरफ निकल आए हैं और उमादत्त शुक्ला भी पीछे पीछे हैं। दादा हमको भी बताओ। दादा कहते क्यों बताऊं भाई, हम नहीं बताते। ये मित्रों जैसी बात हुआ करती थी। और फिर दादा ने बताया कि महाराज जी ने कान में कहा राम राम कहने से सब काम बन जाते हैं। ये बात कान में कही थी और सच में महाराज जी खुद राम राम जपा करते थे। सुधीर दादा को ये दिया गया दूसरा मंत्र था, इसका उल्लेख है तब मैं बता रहा हूं, कहीं किसी ने वैसे नहीं बताया। राम राम दादा खुद लिखते हैं कि हमें ये मंत्र जब दिया तो कान में दिया था, और मंत्र कान में दिया जाता है लेकिन वो किसी को बताया नहीं जाता, लेकिन बाबा ने फ्री कर दिया था, स्वतंत्र कर दिया था कि आप बता सकते हो। तो उमादत्त शुक्ला को बताया कि राम नाम कहने से सब काम हो जाते हैं। तो आज यही मंत्र मैं आपको फिर बता रहा हूं। शुक्ला जी विराजमान होंगे दादा के साथ कहीं महाराज जी की मंडली में, लेकिन साहित्य के द्वारा ये हमारे बीच दादा ने लिख के छोड़ा है कि राम राम कहने से सारे काम बन जाते हैं। तो मित्रों आप भी जपिए, क्या
राम राम, और मैं आपसे बोलता हूँ राम राम। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे अपडेट वीडियो